जयपुर से खबर है, चुनाव ट्रेनिंग में खाने को लेकर हंगामा हुआ है। बिरला ऑडिटोरियम के बाद पंचायती राज संस्थान में यह हंगामा हुआ। बिरला ऑडिटोरियम में तो खाने की नहीं आई पूरी सामग्री, तो पंचायती राज संस्थान में खाना ही नहीं पहुंचा। ट्रेनिंग में पहुंचे कर्मियों ने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रेनिंग में खाना नहीं पहुंचने और अधूरी सामग्री से यहां पर नाराजगी बढ़ी हुई है। और नाराजगी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां खाली थाली बजाते ये लोग नजर आ रहे हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि यहां पर खाना नहीं पहुंचा, थाली में आधी अधूरी सामग्री होने पर कर्मियों ने नाराजगी जताई थी, लेकिन नाराज होकर अब थाली एक तरफ फेंकी है। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को शिकायत भी दर्ज कराई गई है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, खाने को लेकर ये जिस तरह से हंगामा हो रहा है, नाराजगी यहाँ पर कर्मियों ने व्यक्त कराई है, थाली बजाकर नाराजगी व्यक्त कराई तो अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है, फिलहाल क्या कुछ समाधान इसे लेकर हुआ, क्या कर्मी शांत हो सके? देखिए, दिन प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि जब ट्रेनिंग में, चुनाव ट्रेनिंग में कोई कर्मचारी जाते हैं तो उनको प्रॉपर व्यवस्था हो इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं और एसडीएम एडीएम के अंडर में ये सारा काम होता है। लेकिन ये देखने में आया है कि यदि जिसको टेंडर दिए गए हैं वो पूरा इंतजाम नहीं करते और पूरे पैसे ले लिए जाते हैं लेकिन पूरा इंतजाम नहीं किया जाता। तो एक जगह बिरला ऑडिटोरियम में तो खाना आधा अधूरा मिला, पूरी थाली नहीं मिली, और दूसरी जगह जहां पंचायती राज संस्थान में ट्रेनिंग हो रही थी तो वो तब तक खाना पहुंचा ही नहीं था, यानी कि खाना था ही नहीं। तो ऐसे में समय पर यदि खाना नहीं पहुंचे या खाना उपलब्ध ही नहीं हो या आधा अधूरी सामग्री हो उसमें, तो इसका लेकर पूरी तरह से जवाबदेही जिला निर्वाचन की बनती है। लेकिन इस बारे में जब संपर्क किया तो अधिकारी कोई आया वहां पर मौके पर मौजूद नहीं रहा और ना कोई किसी ने कोई समाधान निकाला था, जिसके कारण कुछ कर्मचारियों ने बाहर खाकर अपना दिन गुजारा है और साथ ही साथ चुनाव कार्य में ट्रेनिंग में तो लगे हैं, लेकिन इस तरह की व्यवस्था देखकर असंतोष की स्थिति सामने आई है। हालांकि अब ये बात सामने आ रही है कि जो जिला प्रशासन के स्तर पर इस मामले का कोई हल निकाला जाए, क्योंकि ये बार बार घटनाएं आ रही हैं। पहले भी जब चुनाव ट्रेनिंग शुरू हुई थी तब बार बार ये शिकायतें आई और कई बार खाना फेंका भी गया, कि एक आध बार तो दूषित खाना दिया गया। तो इस तरह से जो ऋतुराज, जिम्मेदारी किसकी है अगर एक ही तरह की दिक्कतें और गलतियां कोई कर रहा है, बार बार लापरवाही नजर आती है, जिम्मेदारी है किसकी, क्यों इस पर कुछ तय नहीं किया जा रहा है? देखिए, इसमें पूरी तरह से जिला प्रशासन के स्तर पर जो आरएस अधिकारी और उनके अंडर में जो टीमें लगी रहती हैं वो उनकी जिम्मेदारी इस जवाबदेही इस मामले में पूरी मामले में बनती है, क्योंकि कर्मचारियों की शिकायतें यहाँ पर वाजिब लगती है, क्योंकि यदि समय पर खाना नहीं मिले, एक पूरा टाइम टेबल निर्धारित किया गया है और वह टाइम टेबल आयोग की ओर से निर्धारित है, निर्वाचन विभाग की ओर से निर्धारित है और उस टाइम टेबल को बस फॉलो करना है और उसमें जितना बजट है, ऐसा भी नहीं है कि बजट की भी कमी हो, वो बजट जिला पुल से जो जिला कलेक्टर के स्तर पर जो बजट होता है उससे लिया जाता है इन तमाम चीजों के तहत। इसके बावजूद जब इस तरह की बातें सामने आ रही है तो ये ठेकेदार के स्तर पर टेंडर जो करते हैं उनके स्तर पर यहाँ पे लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि बार बार इस तरह की चीजें आ रही, तो ऐसे में ब्लैकलिस्ट यदि किया जाए उस ठेकेदार को उसको, तो ये भी समाधान नहीं है, क्योंकि पूरे चुनाव ट्रेनिंग के चलिए ऋतुराज, उम्मीद करते हैं कि अब ऐसी तस्वीरें, ऐसी दिक्कतें इन कर्मियों को दोबारा फेस ना करना पड़े, जल्द ही इसका समाधान हो। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।